हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है इसमें अपन लोग हरियाणा पीएससी एएमओ का जो 2005 में पेपर हुआ था उसका पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस ये भी करेंगे कि क्या वेटेज रहा था कौन से टॉपिक्स का। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन सारे जो पेपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उनके आंसर देखेंगे, और फाइनल जो उन्होंने आंसर की जारी किया था उसके अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पे आंसर में आपको बताने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये जो पेपर है ये आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि लेक्चर आपको अवेलेबल हो गया तो ये जो पेपर है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि श्रेष्ठ रक्त पित्त हर है। श्रेष्ठ रक्त पित्त हर किसको बोला गया है? वासा को बोला गया है। ओके, वासा के लिए प्रयोग किया गया है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? डी आंसर जाएगा। फिर आयुर्वेद प्रकाश के स्वर्ण भस्म निर्माण में पूड़ देते हैं। तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार स्वर्ण भस्म निर्माण में कौन सा पूड़ देते हैं? वैसे नॉर्मली गैस कुट प्रयोग किया जाता है, बट प्रॉपरबल जो आंसर वहां पे उन्होंने जो दिया था वो था आपका कुट कुट। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार। इसके अलावा अभिष्यंद कराते हैं, कौन कौन अभिष्यंद कराते हैं? तो नूतन मध्य बिल्कुल अभिष्यंद कराते हैं, मंदक दधि भी अभिष्यंद कराते हैं, किलाट आपका अभिष्यंद ही नहीं होता। आंसर क्या जाएगा आपका? नूतन मध्य और मंदक दधि, तो डी आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, रसेंद्र सार संग्रह अनुसार लौह भस्म निर्माणार्थ प्रयुक्त पाक है। तो नॉर्मली तो अपन कूट पाक का प्रयोग करते हैं, पर भानु पाक और स्थलीय पाक का भी प्रयोग किया जाता है रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार। तो आंसर क्या जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। फिर फिफ्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न है, तो शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न कौन से हैं? तो शुक्र ग्रह से संबंधित जो रत्न है वो आपका हीरक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिक्स नंबर का, टाइलिन नाम का एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का जो एंजाइम है वो आपका सलाइवा में यानी कि लार में पाया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। इसके बाद में बोला गया है हरितकी में कौन सा रस नहीं होता? तो ये अभी अपन लोगों ने द्रवगुण के अंतर्गत देखा था, कौन सा रस नहीं होता? लवण रस नहीं होता। ठीक है, द्रवगुण के लेक्चर में बताया था। आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। फिर कुचला है, तो कुचला आपका स्पाइनल कॉर्ड पॉइजनिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नर्वों को मेनली जो आपके स्पाइनल नर्व है उसको क्या है, इफेक्ट डालते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। फिर पारद की निर्गंध मूर्छना है, तो निर्गंध मूर्छना के द्वारा कौन सा जो है प्रोडक्ट बनता है पारद में? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो निर्गंध मूर्छना के द्वारा रस कर्पूर बनता है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका बोला गया है पारद रहित परपटी है, तो पारद रहित जो परपटी है वो आपका श्वेत परपटी यहाँ पे है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका पीलू शब्द का तात्पर्य है, तो पीलू शब्द परमाणु के लिए प्रयोग किया गया। ओके, आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। फिर योनि की आकृति है, तो शंख नाभि के समान, बी आंसर जाएगा। चोपड़ा कमेटी की स्थापना वर्ष हुई थी, या स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी, जो आंसर दिया गया था। ठीक है, 46 बी आंसर जाएगा। सुश्रुत संहिता में कौन सा स्थान नहीं है? तो खेल भी नहीं है, विमान भी नहीं है, सिद्धि भी नहीं है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, डी आंसर जाएगा। इक्यूबेशन पीरियड ऑफ ए डिप्थीरिया, तो इक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का रहता है डिप्थीरिया का? तो 1 से 5 दिन का रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? बी आंसर जाएगा। फिर गर्भावस्था में के किस माह में ओज अस्थिर रहता है? तो नॉर्मली 8th जो मंथ होता है उसमें क्या है, ओज अस्थिर बताया गया है मासानुमासिक वृद्धि में। ठीक है, ये भी अपन पढ़ेंगे भी तुलनात्मक में अध्ययन में, जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो 8वें माह में। फिर सुश्रुत अनुसार योग वह स्रोतस की संख्या है, तो कितना है आपका योग वह स्रोतस? 11 है। ठीक है, पेयर में रहते हैं तो 11 हो गया। इसके अंदर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षिप्र मर्म का स्थान है, तो क्षिप्र मर्म कहाँ पे स्थित होता है? तो क्षिप्र जो मर्म है वो आपका पादगत है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में भीषक प्रिया किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भीषक प्रिया किसके लिए प्रयोग किया गया आपका? गुड़ुची के लिए प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद में आपका निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं?
तो निर्गुंडी का जो बीज होता है उसे कहा जाता है आपका हरिणोक, ठीक है। तो हरिणोक जो है आपका निर्गुंडी बीज को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका अष्टांग संग्रह के अनुसार प्रमेह हेतु औषध है। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार प्रमेह हेतु जो औषध है वो हरिद्रा है। फिर शशि लेखा टीका कौन से ग्रंथ पर है? तो शशि लेखा जो टीका है वो अष्टांग हृदय पे है, डी आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में है सवेरणा नाड़ी पर वीर्यपात का फल होते हैं तो निष्फल हो जाता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे देख लो निष्फल कहाँ पे है, ये आपका वीर्यपात जो है सवेरणा नाड़ी पर गिरने से वीर्य शुक्र जो है वो निष्फल हो जाता है, तो डी आंसर जाएगा। फिर एक काल धातु पोषण न्याय किस किसने दिया है? तो एक काल धातु पोषण जो न्याय है वो आपका अरुण दत्ता ने दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लीहा वृद्धि किस धातु क्षय का लक्षण है? तो प्लीहा वृद्धि आपका मेद धातु क्षय का लक्षण है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा 25th का डी। फिर इसके बाद में आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है धमनी शैथिल्य किस धातु के क्षय का लक्षण है? तो धमनी शैथिल्य मास धातु के क्षय का लक्षण है, सी आंसर जाएगा 26। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन ने कौन सा प्रमाण नहीं माना है? तो वैशेषिक जो दर्शन है उन्होंने कौन सा प्रमाण नहीं माना है? तो युक्ति प्रमाण नहीं माना है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा 27 का। फिर इसके बाद में किस ऋतु में मैथुन केवल एक पक्ष में कराने का निर्देश है? तो एक पक्ष में एक कराने का निर्देश है, सॉरी, तो एक पक्ष में एक बार कराने का निर्देश जो है वो आपका ग्रीष्म ऋतु में किया गया, सी आंसर जाएगा। फिर दलहन का काल है, तो दलहन का काल कौन सा है? तो दलहन का जो काल है वो आपका 12वीं सदी है, सी आंसर जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शरीर शरीरम के लेखक है। तो सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष जो शरीरम उसके लेखक कौन है? आपका गणनाथ सेन है। फिर हृदय नाभि और यकृत कौन से गर्भज भाव है, ठीक है। तो हृदय नाभि वो यकृत में कौन सा गर्भज भाव है? तो आपका मातृज भाव के अंतर्गत आता है, ठीक है, मातृज गर्भज भाव के अंतर्गत हृदय नाभि और यकृत, ये सॉफ्ट चीजें हैं। फिर किस रत्न में कैल्शियम नहीं होता? तो मुक्तम होता है, प्रवाल में होता है, शंख में होता है, माणिक्य में नहीं होता। फिर इसके बाद में 33 नंबर का क्वेश्चन है आसव में प्रक्षेप की मात्रा है तो 10 तुला, ठीक है, मतलब आपका प्रक्षेप द्रव्य का 10वां भाग जो है, 10 तुला भाग जो है आपका प्रक्षेप होता है, आसव का 10 तुला भाग जो है आपका प्रक्षेप होता है। धारणी वेग में आता है तो मोह नहीं आता, मद नहीं आता, मूर्छा नहीं आता, क्रोध आपका धारणी वेग है। फिर इसके बाद निम्न में से किसके 10 गुण हैं? तो ओज का भी होता है, विष का भी होता है, गो दुग्ध का भी होता है, तो उपयुक्त सभी आ रहे हैं। फिर पिच्छावस्थी का रोग अधिकार है तो प्रवाहिका में करते हैं, वात श्लेष्मिक विबंध में किया जाता है, तथा अति कफशरण भी बताया गया, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? उपयुक्त दोनों, सी आंसर जाएगा, यहाँ पे मैच करते चलना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं ग्रीष्म सॉरी अष्टांग हृदय अनुसार नस्य कर्म पूर्वाहन में किस ऋतु में करना चाहिए? तो नस्य जो कर्म है वो पूर्वाहन में कौन से ऋतु में करने का निर्देश बताया गया है? तो आपका शरद व वसंत ऋतु में। फिर इसके अंदर 38 नंबर का क्वेश्चन है सेल ऑफ लेंगरहैंस वी सीक्रेट द इंसुलिन आर, तो कौन सा आपका, कौन इंसुलिन सीक्रेट करता है? तो बीटा सेल करते हैं, आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ज्वाइंट क्रूशियट लिगामेंट इज फाउंड, तो नी ज्वाइन में आपका क्रूशियट लिगामेंट आपको देखने को मिलता है, ये आंसर जाएगा। फिर ओज को शुक्र का मल किसने माना है? तो जो अष्टांग हृदय है उन्होंने क्या है, ओज को शुक्र का मल माना है, तो डी आंसर यहाँ पे आपका जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर, तो किस ऋतु में हरिति की गुड़ के साथ में सेवन करना चाहिए? तो ऋतु हरिति का क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में क्या है, गुड़ के साथ में सेवन करना है। फिर चव्य किस वर्ग में सम्मिलित है? तो आपका पंचकोल के अंतर्गत आते हैं, पिप्पलमूल शवचित्रक, ठीक है। तो चव्यचित्रक, तो चव्य किसके अंतर्गत है, पंचकोल के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा। फिर गुग्गुल सेवन में अपथ्य है तो व्यय नहीं करना है, ठीक है, मद्यपान नहीं करना है, अम्ल द्रव्य का सेवन नहीं करना है, तो डी आंसर जाएगा, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका तो सबस्टेनाइट नाइग्रा इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका 44 का, ये आंसर जाएगा। फिर 43 45th नंबर का आपका क्वेश्चन है क्या बोला गया है,
थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन डायन्सेफलोन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये आंसर जाएगा। देखो इसी वजह से मैंने मॉडर्न भी वहां पे आपको नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो मॉडर्न से भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। इसके अंदर बोला गया है ऑन विच सरफेस ऑफ ए लीवर कॉर्डेड लोब इज सिचुएटेड, ठीक है। तो वो कहाँ पे आपका सिचुएटेड होते हैं, तो मेनली जो है पोस्टेरियरली सिचुएटेड होते हैं, तो बी आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में 47 नंबर के है पुष्कर मूल का वीर्य होते हैं, तो पुष्कर जो मूल है उसका वीर्य आपका उष्ण वीर्य होते हैं। ओके, बी आंसर जाएगा। फिर पिपली मूल का वर्ग होते हैं, तो पिपली मूल जो है पिपली मूल है उसका जो वर्ग है वो आपका कौन से किसके अंतर्गत आते हैं, तो पिपली पिपली मूल चवचित्रक पंचकोल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पिपली मूल किसके अंतर्गत, पंचकोल के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं वत्सनाप तथा अतिविषा व निर्विष का कुल है, तो आपका जो वत्सनाप है अतिविष है व निर्विष है इनका जो कुल है वो कौन सा आपका टेनन कुलिया से। फिर संखावर्त एक प्रकार का है, क्या है संखावर्त एक प्रकार का, तो आपका संधि है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51 नंबर का, द अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्टेड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग इच सिस्टोल इज नोन एज, क्या कहलाता है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। ये आंसर जाएगा 51 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53 नंबर का, 52 नंबर का, जो द्रव्य तमोगुण की अधिकता के कारण बुद्धि का लोप कर देते हैं वो क्या कहलाता है आपका, तमोगुण प्रधानंश तमत्सुराधिकम, ठीक है, मद कहलाएगा आपका, ठीक है, मदकता मदकारी द्रव्य कहलाएगा जो तमोगुण प्रधान होने के कारण बुद्धि का लोप करता है। तो 52 का आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चरक अनुसार श्रेष्ठ शिलाजंतु है, तो चरक अनुसार श्रेष्ठ शिलाजंतु ताम्र है, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। फिर शीतोपलादी चूर्ण में शीतोपल की मात्रा होती है, ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है, कितना होता है, 16 भाग होते हैं, ठीक है, शीतोपल का जो मात्रा है वो 16 भाग होते हैं। फिर मनुष्य मूत्र में वस्त्र गंध का आना किसका पूर्व रूप है, तो अस्मरी के पूर्व रूप में आपको दिखाई देता है वस्त्र गंध, तो ठीक है, तो मनुष्य के मूत्र में वस्त्र गंध का आना भी आंसर जाएगा, ठीक है, अस्मरी। 55 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 56 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 56 नंबर का क्वेश्चन है, वांगभट्ट खंडन मंडन नामक टीका के रचयिता हैं, तो वांगभट्ट खंडन मंडन नाम के जो टीका है उसके रचयिता कौन है, तो 56 का आपका है भट्टन हरिश्चंद्र, ठीक है, ये आंसर जाएगा। फिर इसके अंदर तल हृदय है, तो तल हृदय क्या है आपका, तो तल हृदय आपका कालांतर प्राणधर्म, ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका, 57 का भी आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी कौन सा आपका, सार्टोरियस जो मसल है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ये आंसर जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद में बात करते हैं ब्रनर ग्लैंड ये आर प्रेजेंट, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये डियोडिनम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर गर्भ में माता की रज धातु में सर्वप्रथम बनता है, ठीक है, तो जो गर्भ है उसमें माता की रज धातु से सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, तो ओज का निर्माण होता है, यह आंसर जाएगा। चरक अनुसार मानसिक प्रकृति के भेद होते हैं, तो कितने हैं आपके, 16 है, डी आंसर जाएगा। फिर द्विविध विपाक किसने माने हैं, तो जो द्विविध विपाक है वो सुश्रुत ने माने हैं। फिर चक्र पाणी द्वारा सुश्रुत संहिता सूत्र सूत्र सिंह पर की गई टीका है, ठीक है, तो सूत्र स्थान पर की गई जो टीका है सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान पर की गई जो टीका है वो कौन सी है, ठीक है, चक्रपाणि के द्वारा, तो वो है आपका भानुमति, ठीक है, बी आंसर जाएगा। फिर हनुसंधि किस प्रकार की संधि है, तो हनुसंधि जो है आपका वायुस्तुंड संधि है। फिर दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्व सदनम श्रमः किस धातु के 6 का लक्षण है, तो ये जो है आपका शुक्र धातु के 6 का लक्षण है, दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्व सदनम श्रम, ठीक है, 65 का। 66 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कफ के 5 भेद नामतः
का नामता वर्णन किसने किया है? तो सर्वप्रथम कप के पांच भेद का नामता वर्णन वांगभट ने किया है। फिर वरा किसका पर्याय है? तो वरा जो है वो आपका त्रिफला का पर्याय है, 67 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्रास है, तो त्रास जो है वो आपका रत्न के लिए रत्न दोष है एक प्रकार का, ठीक है। तो त्रास क्या है आपका? रत्न दोष के प्रकार में आता है, ना कि वज्र दोष या मुक्ता दोष, ये रत्न दोष में आपको देखने को मिलता है त्रास जो है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 68 का आपका, सी आंसर जाएगा। 69 नंबर का आपका क्वेश्चन है, प्लूरेंट स्पुक्टम इज सीन इन, तो आपका ब्रोंकियोस्टेसिस में आपको प्लूरेंट टाइप का स्पुक्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ए आंसर जाएगा। फिर बोला गया है द स्टिफनेस ऑफ कार्टिलेजिनस इज प्राइमली इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, तो जो कोलेजन फाइबर है उसकी वजह से स्टिफनेस आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आपका मागधी पर्याय किस आधार पे किया गया, तो मगध देश में उत्पन्न होने के कारण यानी कि उद्भव के आधार पे मागधी पर्याय किया गया, ठीक है। तो 71 का आपका आंसर क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। फिर मनुष्य में सार की संख्या है, तो मनुष्य में जो सार है उसकी संख्या कितनी है आपका, 8 है, ठीक है, 8 प्रकार के सार है। तो 72 का आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। फिर दोलाय यंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो स्वेदन कराने के लिए करते हैं, ठीक है, तो ए आंसर जाएगा। फिर कर्ण बाधिर्य की चिकित्सा में निर्दिष्ट तेल कौन सा है, तो जो बिल्व तेल है उसका अपन प्रयोग करते हैं कर्ण बाधिर्य की चिकित्सा के लिए। फिर इसके बाद में आपका बोला गया है गृधि सर्वराग रसानां, कौन से ग्रहणी का लक्षण है, तो ये वातज ग्रहणी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन है वात रक्त की प्रसिद्ध औषधि कौन सा है, तो वात रक्त के लिए प्रसिद्ध जो औषधि है आपको सुरांजन, ठीक है, डी आंसर जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 2005 का जो हरियाणा पीएससी आपका एग्जाम हुआ था आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए, उसके क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया कि उसके क्या क्या प्रोबेबल आंसर उन्होंने बताए थे, ठीक है, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे आपके प्लॉट करके बताया। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, जैसे मैंने बताया ये पेपर आप लोगों को ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ओके। और बाकी जैसे अभी एक लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है, कौन सा द्रव्य गुण, उसमें आपके जो रिमेनिंग जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो रिमेनिंग टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, ओके, ठीक है, तो फिर